व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है मित्रों। आज हम लाए हैं आप लोग के लिए वीडियो जिसमें जेठालाल रोस्ट कर रहे हैं एक लड़की को, और कौन सी लड़की को क्यों करा है रोस्ट ये भी देख लेते हैं। तो ट्राई नॉट टू लाफ वाली वीडियो भी होने वाली साथ ही साथ। तो जेठालाल रोस्टेड दिस गर्ल, व्हाई व्हाई ब्रो व्हाई क्यों। तो मजेदार वीडियो फ्रॉम द चैनल थगिश अनफिल्टर्ड। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। वाह यार, कितनी तेज हो रही है इसकी बुद्धि है। लड़की बहुत टैलेंटेड है यार, इसका टैलेंट दबाओ बस। करें शुरू वीडियो, 1 2 3 गो। पुष्पा का मीम है, पुष्पा के इतने मीम देख लिए ना, मैं नहीं हंसने वाला। एडिटिंग क्या वो क्या है, परफेक्ट एडिटिंग कर रही है। बिल्कुल वैसे अगर ये आग लग गया ना, we know we'll generate some heat. आग भी लगा दी। सब कलाकार लोग हैं, कलाकार। कलाकार। इग्नोर कुकर का सिटी। अच्छा, सब्जी वाला। पहला ही मीम यार। ओके। भाई कौन है ये, कौन कर रहा है ये। वेरी गुड स्टार्ट, अ वेरी गुड मीम, एंड उससे भी ज्यादा गुड मूवी। एक्सेंडर भाई, मेनी पीपल अंडरस्टैंड दैट इफ आई टेक्स्ट यू एच ई एच ई इट्स नॉट भाई तारक मेहता में ना, अगर जेठालाल के बाद कोई सबसे ओपीएस्ट एक्टर है तो वो है बापूजी। बापूजी ये वाला लाफ काउंट नहीं होता है यार, ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना। मैं नहीं खेलूंगा तुम पर नहीं, तुम्हारी अदाओं पर मरता हूँ। बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर वाले मीम पे हमेशा हंसी कैसे आ जाता है। बवासीर एक सुन, तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, फिर भी मैं तेरे प्यार में कुछ करके दिखाऊंगा। क्या भाई, जहाँ पे तेरी शादी होगी ना, उस घर के सामने चावल बनाऊंगा। जिस मंडप में तेरी शादी होगी ना, उसी मंडप में पानी पूरी का स्टॉल खोलूंगा। पानी पूरी में हजबोला मिला दूंगा ताकि सबका पेट खराब हो जाए। जे देख मेरी नजरे मारे चटकारे। रणवीर सिंह ऐसा क्यों दिख रहा है, दिल वाला। कुछ ना कुछ करते रहता है मसाला, जोकर बना के रखा है तेरे को। ये भी कर दिया, मैं जस्ट बोल रहा था भाई, क्या क्या करते रहता है रणवीर सिंह। तुमको पता है पबजी रोनी भाई खेलते तभी क्या मिलता है, क्या मिलता है, चिकन डिनर। पर मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ तो हम लोग जीतने भी नहीं वाले हैं। आपने दिल जलाने वाली बोली है। तारक भाई ऐसे नहीं, किसी बच्चा एक्टर है, इज अ गुड पोएट आल्सो। तारक भाई ओपी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथ में बैग लिए ये कोई दुल्हन नहीं बल्कि प्रेमिका से मिलने वेश बदल कर आया प्रेमी है। प्रेमिका से मिलने रहा नहीं जाता। ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं मिलता ना जो आपको इस हद तक प्यार करे। लानत है, लानत है, नहीं करनी ऐसी। प्रेमी ने लिबास तो महिलाओं का पहन लिया था लेकिन अपनी चाल नहीं बदल पाया, जिससे प्रेमिका से मिलने से पहले ही घर वालों ने प्रेमी को पकड़ लिया। कोशिश हवा चल रहा है, उसके साथ तूफान आने वाला है, तो आप घर से क्यों निकले। अरे आप तो निकले है ना, आप निकले इसीलिए तो हम निकले ना, हम लोग तो खबर दिखा रहे हैं ना, इसीलिए हम नहीं निकले तो आप किसको दिखाएंगे। हम नहीं निकले, आप निकले तभी तो हम निकले, हम तो खबर देने निकले। अरे हम नहीं निकलेंगे तो किसका खबर।
big brain time baby. Buddhi ka 100% istemal. Sleepwalking is getting out of control. Sometimes she wakes up in the bathroom or at her ex-boyfriend's house. I noticed a really creepy pattern with her sleepwalking. She would sleepwalk almost every night at 3 a.m. and her footpath every night was nearly identical, covering almost the whole entire house. So one night, I woke up at 3 a.m. while she was sleepwalking. I was careful not to wake her and I gave her a broom. Wow. Hans gaya bhai. I'm not laughing at this, okay? This is very... Hans chuka bhai. Feminist... Kya hota hai wo? हाँ भाई 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 ये वेरी मिसोजिनिस्ट मीम नो लाफिंग एट दिस नो लाफिंग मिसोजिनी फ्री चैनल ओके अरे मेहता साहब क्या हुआ यार सब ये बदतमीज इंसान मेहता साहब छेड़ रहे थे लड़की को लड़की की फोटो खींच अरे मेहता साहब खूबसूरत लड़की तो कोई नहीं इमोशनल डैमेज ओ माय गॉड कर दी मौज करती यहाँ पर गोल्डन डेज था तारक मेहता का नाउ ऐसी कॉमेडी नहीं कर सकते ऑनेस्टली अगर ये कॉमेडी आज के टाइम पे कर दी ना भाई लोग बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे इसके लिए ये वाली कॉमेडी जो अय्यर को इडली विडली बोल देना था ये सारी कॉमेडी अभी नहीं हो सकती भाई अभी तो है ये ओए टप्पू है को मालूम है कौन आने वाला है तेरे को नहीं मालूम आई नो ये क्या होने वाला है नहीं यार ये तो कुछ अलग है क्या चल रहा है भाई साहब कलाकार लोग क्यों क्यों हंस रहे हलकट हंस हंस रहे हैं बूढ़ा हो गया उम्र को ये जेन जी वाले जोक्स नहीं समझ रहे भाई को अब चेक ताबड़तोड़ ओके बिल्ली को प्रोटीन वोटीन दे रहा डाल के प्रोटीन दिया प्रोटीन शेक दिया बिल्ली को ओके बिल्ली पी गई जिम कर रही है अरे वाह मौज करा दी ये एब्स गो एब्स कितनी हैवी ड्राइवर है बिल्ली ये देख नेक्स्ट यार सुबह से मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पीछे चाकू लेकर दौड़ रही है भाई क्या हुआ मैंने तो बस सुबह में मजाक में कहा था दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा वो पगली सचमुच में चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही है सुबह से हंसना होगा तब बता देना हंस लेंगे खराब तो मेरी भी कॉमेडी नहीं है ये पानी में जा रहा है ये तो देखा था ना भाई अबे को तकेशी कासल की याद दिला रहा है देखा था ये जाएगा अच्छा अच्छा ये वो जाएगा उसको भी लेगा उसको भी हम तो डूबेंगे सलाम तुम्हें भी लेट डूबेंगे पागल है तू धीरे धीरे जा रहा है भाई वो आगे वाले को भी खराब हम तो डूबे सनम तुमको भी लेट देख ये डायलॉग क्या बात बचपन की याद आ गई हम क्रिकेट खेलते थे ना वो ग्राउंड पे ना ऐसा ही किचन होता था जब बॉल पकड़ने आते थे ना तो क्रिकेट में जो व्हाइट्स पहनते हैं ना वो पूरे ब्राउन हो जाते थे ब्राउन मुंडे कहलाते थे नहीं खराब तो मेरी भी कॉमेडी नहीं है ये क्या है क्या ये चिट चिट लव लेटर कॉपी करो 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 सर ये तो गलत है आज इलेक्ट्रॉनिक साइंस का पेपर है कंप्यूटर साइंस की चिट बना के लाया है इलेक्ट्रॉनिक साइंस आपने शुरुआत में बता दिया पेपर में कुछ बकवास लिखता और फिर से एग्जाम देना पड़ता ओ भाई सर कंप्यूटर साइंस का एग्जाम कब है ओ तेरी भाई ऑनेस्टली मैं आज कन्फेस कर रहा हूँ इतना मैंने चीटिंग किया है ना स्कूल में इतना इतना बड़े बड़े मैं शीट लेके आता था लोग शीट लेके आते ना आई होप कोई स्कूल का देख नहीं रहा है मेरा टेंथ का वापस ना ले ले डिग्री जलेबी बन कोशिश तो जलेबी की है लेकिन बन नहीं रही जलेबी जलेबी ये एकदम से बहुत सारा हाँ हाँ शायद अभी देखिए एकदम से बहुत सारा आ जाएगा जलेबा जलेबा यस जलेबा बना दिया जलेबा बन के निकलेगा जलेबा कि ये अंधी है एंड ये क्या कर रहा है टेस्ट कर रहा है अंधी है कि नहीं अच्छा गटर है उसने पेंसिल हील्स में खत्म टाटा बाय बाय भाई ये कैसे सोच लेते हैं लॉन्डे ये सोच भी लेते हैं तो एक्ट कैसे कर लेते हैं एक्ट कैसे कर लेते हैं ओके सहन शक्ति चाहिए सहन शक्ति भाई पक्का वीली मारने वाला है भाई पक्का अरे भाई अरे 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 उसमें गिर गया नाले में गया वो अरे वो कह रहा भाई जा भाई साहब कलाकार है लोग हद होती है हद करते हो भाई क्यों गियर डाल दिया ना क्या उसने गलत गियर डाल दिया खत्म है बच्चा भाई
बहुत मार पड़ी होगी। ये ऐसे बच्चों की वजह से ना बच्चे आई डोंट लाइक किड्स, ओके? ये चीज नहीं करनी चाहिए, गलत है। कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? That's a little bit tougher to explain. ओके, प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए। उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। तो क्या है कि इस वक्त जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं वो 2084 किलो और 300 ग्राम पीछे एक बंदे को अपने एकदम ठीक सामने देखिए। सामने बिल्कुल क्या दिखाई दे रहा है? पीछे वाला देख, मौत आपके सामने। बड़ा सा गोल व्हील है भाई। ये मूवी इतना फनी था, बहुत फनी था, वन ऑफ द फेवरेट कॉमेडी मूवीज मेरा। वो आगे पीछे से एकदम करीब पहुंच जाती है। क्रैश दोनों चैनल पे थगेश एंड थगेश अनफिल्टर्ड, और जो मस्ती भरा कंटेंट लेके आते हैं ना और फुल चिल वाला माहौल रहता है मस्त, और साथ ही साथ जो कमेंट्री इनकी चलती है ना वहाँ पर मस्त। अब भाई रहता सकती में बहुत कम हंसता है भाई आजकल, मैंने नोटिस करा है। कई बार हंसी होती खा जाता है बीच में, हंस रहे हेलकट फिर भी नहीं हंस, पेट मिल जाता सारी हंसी। हाँ, खा जाता मतलब इतनी हंसी कौन खाता है यार, ये तो गलत बात है। लेकिन मैं फैन आज भी उसी लड़के का हूँ जो वो हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। हाँ वो पहले, हाँ मुझे बाद में मतलब क्या लग रहा, जैसे कई बार होता है ना कि पूरा जाम लगा होता है तो साइड में थोड़ी जगह किसी वजह से खाली होती है, तो पीछे वाला सोचता है अरे ये सब पागल है लाइन में लगे मैं जाऊं। लेकिन ना मुझे ये बात बिल्कुल ठीक करी कि मतलब आजकल ऐसी कॉमेडी मिसिंग है यार, मतलब आजकल बहुत जल्दी लोग ऑफेंड हो जाता है जैसे कॉमेडी करता है तो बहुत जल्दी मतलब फैला देते कि भाई गलत हो रहा है। एक कॉमेडी को कॉमेडी एज कॉमेडी लेते क्योंकि उसमें ह्यूमर होता है, एंजॉय करने के लिए होती है। और थगेश भाई मौज कर दी, और बिल्ली का भी फैन हो गया, प्रोटीन पी के मार ले ना। मुझे लड़की की हेल्प करने के लिए गड्ढा था, खुद लेट रहा था। ओ पेंसिल वाली सैंडल हील पहन दी ना उसने, गई हील। ओ ऐसा एक और फनी वीडियो थी और मस्ती भरे मीम्स थे इस वाली वीडियो में भी, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने काफी एंजॉय करोगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।